नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जैसा कि काफ़ी लोग जान चुके होंगे कि क्या मामला है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यूपीपी की, जो है वैकेंसी हमने देखी कितना 60,244, ठीक। उसके उपरांत अब आ गया है एसआई की भर्ती। तो एसआई में क्या क्या चीज़ें हैं पूरा डिटेल्स हम लोग समझेंगे, यानी कि दरोगा के लिए भी आपका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये सरकारी रिजल्ट में खोल रखा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है, यहाँ से चीज़ें देख पाना है ना। सबसे पहले देखिए, एंड तक बने रहिए, काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी इसमें से। देखिए, पहली बात तो पोस्ट जो है 921 है, ठीक। देखते हैं, अप्लीकेशन शुरू होगा 7 तारीख से, 7 जनवरी से शुरू हो जाएगा। सबके लिए फीस है 400। यूपी गवर्नमेंट लगभग सबको बराबर करने का प्रयत्न कर रही है ना। थोड़ा सा जूम करके बनाया जा रहा है, क्योंकि ये नहीं जूम इन जूम आउट हो पा रहा है। लास्ट डेट 28 तारीख तक है ना, करेक्शन वगैरह का भी डेट दे रखा है। सबसे बड़ी बात, मिनिमम एज जो है 21, मैक्सिमम एज 28, और एज बिटवीन 1995 से 2002 के बीच में जो हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये सब दे रखा है। पोस्ट है 921, जिसमें से यूपी पुलिस एएसआई कॉन्फिडेंटल, यानी कि असिस्टेंट जिसे हम कहते हैं, एसआई तो सीधा दरोगा हो जाएगा, एएसआई सब रहेंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो जाता है, कुछ इस टाइप का मामला हम देख रहे हैं। पहले यहाँ पे इसमें जो है टोटल 268 सीटें हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कहीं से आप इसमें जो है टाइपिंग मांग रखा है, हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग 35, ध्यान रखेंगे इसमें टाइपिंग मांग रखा है 268 वाले में। और स्टेनोग्राफर की हिंदी होनी चाहिए वर्ड पर 80 वर्ड पर मिनट है ना। ओ लेवल एग्ज़ाम यदि आप पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यूपी पुलिस एएसआई क्लर्क के लिए, क्लर्क में 450 है ना, इसमें बैचलर डिग्री है, कहीं से भी आप कर रहे हो इसमें भी टाइपिंग है 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड, इसमें भी ओ लेवल मांग रखा है, ठीक। यहाँ पे ओ लेवल यहाँ पर भी मांग रखा है। उसके बाद अकाउंटिंग के लिए 204 सीटें, बैचलर डिग्री और इसमें कॉमर्स होना चाहिए, बीकॉम आप किए हों 15 वर्ड पर मिनट में ही काम चल जाएगा, हिंदी टाइपिंग में ओ लेवल आप पास हो ये तो, यानी कि ये भर्ती एकदम से फिल्टर है, जो जितने लोग ओ लेवल कर रखे हैं उनके लिए एकदम से आसान है, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज सीटों का भी आवंटन दे रखा है अलग अलग, तो टोटल इसको देख लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए थी, तो उसमें जो है सभी लोगों के लिए 163 सेंटीमीटर ही डिमांड की जा रही है, 163, ठीक। चेस्ट जो है 77 से 82 और 28 मिनट में 4800 मीटर दौड़ना है, ठीक। एसटी वाले लोगों के लिए 156 ही लगेगा मात्र, है ना, हाइट। फीमेल महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर और एसटी महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। रनिंग इनका जो है 2400 मीटर है, मतलब 2 किलोमीटर 400 मीटर, 2400 मीटर कह सकते हैं 16 मिनट में, ठीक। तो ये इसका जो है प्रोसेस है, तो यानी कि लिंक एक्टिव हो जाएगा, यानी कि अब कुछ ही समय और बचा है, जो नॉर्मल एसआई की भर्ती आती है वो भी आपको देखने को मिलेगी 100%, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात, हाइट वाइट की जो है ठीक ठाक इसमें छूट दे रखा है, और हर जगह ओ लेवल मांग रखा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी टाइपिंग है हर चीज़ में कहीं ना कहीं, और टाइपिंग वगैरह मांगी जा रही है, तो इसको आप जो लोग एलिजिबल हैं अप्लाई कर लेंगे, है ना। और जो लोग एसआई की नॉर्मल एसआई भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो बस अब ज़्यादा समय दूर नहीं है। यूपी पुलिस का आया अभी, देखिए उससे कुछ समय पहले आया था स्पोर्ट्स कोटा के लिए पुलिस में भर्ती के लिए, उसके उपरांत यूपीपी की भर्ती आ गई, उसके उपरांत फिर एसआई, ये जो जिसमें क्लर्क और अलग अलग चीज़ों के लिए है, तो उसमें जिसमें आपका वो सर्टिफिकेट मांग रखा है, तो ये है। अब नॉर्मल वाली एसआई की भर्ती भी बस आप समझिए कि वो भी चल चुकी है अपने गंतव्य के लिए,
है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।